हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरव। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल नीरव फूड मशीन में। तो आज हम डेमो लेंगे आटा गूंदने वाली मशीन का, कि मशीन में आटा कैसे गूंदा जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे सामने 5 केजी कैपेसिटी वाली आटा गूंदने वाली मशीन। इसमें हम डेमो देखेंगे कि मशीन के द्वारा आटा कैसे गूंदा जाता है। लेकिन दोस्तों, डेमो लेने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमने आटा ले लिया है, ऑयल ले लिया है और पानी ले लिया है। तो हम प्रोसेस करेंगे कि इसमें आटा कैसे गूंदा जाता है। तो हम पहले बाउल में आटा डालेंगे। आटा डालने के बाद हम मशीन को स्टार्ट कर देंगे। पहले तो हम मशीन को प्लग इन करके स्विच ऑन कर देंगे, तो मशीन डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। अब हम इसमें जरूरत के हिसाब से ऑयल डालेंगे। पानी डालने के बाद हम यहाँ पे बाउल को रोकने के लिए यहाँ पे ब्रेक दिया गया है, बाउल को यहाँ से रोक देंगे। यहाँ से ये छतरी को टाइट करेंगे तो ब्रेक लग जाएगा और बाउल रुक जाएगा। बाउल रुकने के बाद हम इसमें वापस पानी डालेंगे। पहले हमने कम पानी डाला था, अब सब आटा मिक्स हो जाएगा। ज्यादा पानी डाल दिया इसलिए। आटा थोड़ा टाइट है, इसमें हम थोड़ा और पानी डालेंगे। एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप ब्रेक लगाओ तो पूरा टाइट करके लगाना है। देखने में तो लगता है हमारा आटा गूंदने में रेडी हो गया है। पावर ऑफ करके हम देख लेते हैं कितना लूज है, कितना टाइट है। मुझे इतना लूज रखना है, मेरे लिए सही आटा है, तो मेरे लिए ये आटा गूंद के रेडी हो गया है। हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और दोस्तों, एक बार देखिए, आटा निकालने के बाद आपको ये बाउल क्लीन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बाउल ऐसे ही क्लीन दिखेगा। सिर्फ आपको गीला पोछा करके साफ कर देना है, क्लीन कर देना रहेगा सिर्फ इसको। तो ये हमारा आटा गूंद के रेडी हो गया है।